तो आज हम लोग स्टेम पढ़ेंगे, हम लोग स्टेम के जनरल फीचर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टेम इज़ द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। स्टेम क्या होता है ये बता रहे हैं। स्टेम जो होता है वो एक्सिस का असेंडिंग पार्ट होता है जो कि बियर करता है ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। ये डेवलप कैसे होता है? इट डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसके प्लीम्यूल से स्टेम डेवलप होता है। द स्टेम बियर नोड एंड इंटरनोड। स्टेम में हमेशा नोड और इंटरनोड होते हैं। तो नोड क्या होते हैं? नोड इज़ द एरिया वेयर लीव्स आर बॉर्न। जहाँ से लीव्स निकलती हैं तो उस जगह को हम लोग नोड्स कहते हैं, और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटरनोड कहते हैं। तो जैसे कि ये स्टेम है, यहाँ से लीव्स अराइज हो रही हैं इस एरिए से, और यहाँ से भी लीव्स अराइज हो रही हैं। तो ये दोनों पोर्शन जो होंगे ये नोड होंगे, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटरनोड कहेंगे। द स्टेम बियर बर्ड विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। स्टेम बर्ड बियर करता है जो कि टर्मिनल और एक्सिलरी होती हैं। द स्टेम इज जनरली ग्रीन वैन यंग एंड लेटर आफ्टर बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। जब स्टेम यंग होता है तो ग्रीन कलर का होता है, धीरे धीरे वो डेवलप होता है, मैच्योर होता है, तो वो वुडी हो जाता है और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। अब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे स्टेम के। तो द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज़ द स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। तो जो मेन काम होता है वो ब्रांचेस स्प्रेड करना होता है, जैसे कि फ्रूट्स और लीव्स ज़्यादा मात्रा में डेवलप हों स्टेम में, और बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट। तो यही है मेन फंक्शन स्टेम का कि वो स्प्रेड करता है ब्रांचेस, और स्टेम जो होता है बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट बियर करता है। इट कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेटिस। ये जो होता है स्टेम जो होता है वो वाटर मिनरल और फोटोसिंथेटिस कंडक्ट करता है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड। तो कुछ स्टेम होते हैं जो फूड स्टोरेज के काम करने लगते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं, प्रोटेक्शन। तो सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कि नए प्लांट का डेवलपमेंट करना। तो सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हम लोग पढ़ेंगे। स्टेम मॉडिफाई हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये कुछ अलग फंक्शन करेंगे जिसके लिए मॉडिफाई हो रहे हैं। अंडरग्राउंड स्टेम आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। फूड स्टोरेज के लिए जो मॉडिफाई होते हैं उन्हें, उनके एग्जाम्पल हैं पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमिकन एंड कोलोकेसिया। जो स्टेम जो होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम जो फूड स्टोरेज कर रहे हैं, फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो रहे हैं, वो उनमें क्या क्या आते हैं? पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमिकन एंड कोलोकेसिया। दे ऑल्सो एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। मतलब कि ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह भी काम करते हैं, मतलब कि ये नए प्लांट को डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं, और ये पड़े रहते हैं टाइड ओवर कंडीशन। जब इनकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब ये ग्रोथ के लिए ऐसे ही पड़े रहते हैं, और ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह काम करते हैं, बाद में ये नए प्लांट को डेवलप करते हैं। स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं एक्सिलरी बड से। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। स्टेम टेंड्रिल मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड होते हैं। स्टेम टेंड्रिल डेवलप होते हैं एक्सिलरी बड से। तो अगर वो क्वेश्चन में दे देंगे कि एक्सिलरी बड इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम टेंड्रिल, जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन होते हैं एक्सिलरी बड का। स्टेम टेंड्रिल आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड। स्टेम टेंड्रिल जो होते हैं वो सिलेंडर शेप के और स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं, एंड हेल्प प्लांट टू क्लाइंब सच एज इन गार्ड्स, जैसे कि कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइंस। इन सब इनके जो प्लांट्स होते हैं वो जो होते हैं वो क्लाइंब करते हैं, तो उनमें क्लाइंबिंग में उनके लिए हेल्प करने के लिए ये जो होते हैं स्टेम टेंड्रिल डेवलप हो जाते हैं इन सब प्लांट में। तो इनमें क्या क्या आते हैं? कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइंस। थॉर्न जो होते हैं ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होते हैं। थॉर्न जो होते हैं, थॉर्न आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम। तो स्टेम की एक्सिलरी बड थॉर्न में मॉडिफाई होती है, और स्टेम की एक्सिलरी बड ही स्टेम टेंड्रिल में मॉडिफाई होती है। तो किसी किसी प्लांट में ये स्टेम टेंड्रिल बनाते हैं, और किसी किसी प्लांट में ये थॉर्न के फॉर्म में थॉर्न बना लेते हैं। थॉर्न कैसा स्ट्रक्चर होता है? थॉर्न जो होता है वो वुडी स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेट होता है और पॉइंटेड होता है। थॉर्न जो होता है वो वुडी स्ट्रेट और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है।
थॉर्न आर मॉडिफाई ऑफ एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम, और ये काम क्या करता है, थॉर्न जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को ब्राउजिंग एनिमल से, जो मतलब चरने वाले एनिमल होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं उनसे थॉर्न इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। इनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, इनमें आते हैं सिट्रस और बोगनवेलिया, इनमें थॉर्न प्रेजेंट होते हैं। तो थॉर्न के लिए अगर थॉर्न किस किस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, सिट्रस और बोगनवेलिया जो कि मॉडिफिकेशन होते हैं एक्सिलरी बड का। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सिट्रस और बोगनवेलिया में जो थॉर्न पाए जाते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, तो वो ऑप्शन में एक्सिलरी बड आपको दिया होगा। सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू द फ्लैटेंड और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। कुछ प्लांट होते हैं जो एरिड रीजन में पाए जाते हैं तो उनके स्टेम जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं और फ्लैटेंड हो जाते हैं। तो फ्लैटेंड स्टेम जो होता है वो पंशिया का कैरेक्टर होता है, फ्लैटेंड स्टेम जो होता है वो अपंशिया में पाया जाता है, और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम जो होता है वो यूफोरबिया में पाया जाता है। फ्लैटेंड स्टेम अपंशिया में और सिलेंड्रिकल स्टेम जो होता है, फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम जो होता है वो यूफोरबिया में पाया जाता है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये जो होते हैं ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं। स्टेम का तो मेन काम ही है कि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे, जिससे क्योंकि स्टेम ब्रांचेस बियर करता है जिसमें बहुत सारी लीव्स वगैरह लगी होती हैं स्टेम में, तो वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। तो ये भी स्टेम में भी कुछ अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी करता है। रनर इन दीज स्टेम रूट्स डेवलप एट लोअर साइड। रनर जो होते हैं इनमें रूट्स जो होती हैं वो लोअर साइड पे डेवलप हो जाती हैं एंड लीव्स एट अपर साइड फ्रॉम द नोड। मतलब कि कुछ स्टेम जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं, वो रनर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो प्लांट है ये रन करते हुए अगर इनका कोई पार्ट ज़मीन में टच कर रहा है, ये रन करते हुए दूसरी जगह जा रहे हैं और यहाँ ये इनका नोड पोर्शन है, ये जहाँ जहाँ से रूट और रूट और स्टेम्स डेवलप हो रही हैं, रूट और लीव्स डेवलप हो रही हैं, ये पूरा स्टेम ही है। यहाँ पे नीचे रूट्स डेवलप हो जा रही हैं और ऊपर लीव्स डेवलप हो जा रही हैं और ये नोड से डेवलप हो रही हैं। तो इनका एग्जांपल जो है वो ग्रासेस हैं। रनर इन दीज स्टेम रूट डेवलप एट लोअर साइड एंड लीव एट अपर साइड फ्रॉम द नोड्स। रनर जो होते हैं वो स्टेम का एग्जाम्पल होता है और ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, तो इसका एग्जाम्पल है ग्रासेस। और रनर में क्या होता है, नोड पर रूट्स और लीव्स अपर साइड में और लोअर साइड में रूट्स डेवलप हो जाती हैं। स्टॉलन इन दीज स्टेम ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द मेन स्टेम। जो मेन स्टेम है उसके लोअर पार्ट से ब्रांचेस डेवलप हो जाएंगी एंड ग्रो फॉर द सम डिस्टेंस लाइक आर्च। आर्च के फॉर्म में कुछ डिस्टेंस तक ग्रो करेंगी, उसके बाद जब वो फाइनली टच द ग्राउंड टू गिव राइज अ न्यू शूट। अगर वो ग्राउंड को वहाँ से टच करती हैं तो उसमें नीचे की तरफ रूट्स और ऊपर की तरफ लीव्स डेवलप हो जाती हैं और ये स्टॉलन कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्टॉलन इन दीज स्टेम ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द मेन स्टेम एंड ग्रो फॉर द सम डिस्टेंस लाइक आर्च एंड फाइनली टच द ग्राउंड टू गिव राइज टू अ न्यू शूट स्ट्रॉबेरी। मतलब कि इन्होंने जो स्टॉलन दिया है वो कैसे होते हैं, स्टॉलन जो होते हैं ये मेन ब्रांच है, इसके से इस मेन प्लांट से एक ब्रांच निकल रही है जो कि आर्च के फॉर्म में दूसरी साइड जमीन को टच करेगी और जहाँ पर वो टच करेगी वहाँ पर नीचे से रूट्स और ऊपर से स्टेम और लीव्स डेवलप हो जाएंगी और एक न्यू प्लांट न्यू शूट फॉर्म कर लेगा लाइक स्ट्रॉबेरी। अब हम लोग पढ़ेंगे सकर। सकर इन इट द मेन स्टेम ग्रो इन द सॉइल बट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम नोड एंड कम्स आउट द सॉइल। मतलब कि जो मेन स्टेम है वो नीचे की तरफ ग्रो करेगी इसमें और उससे जो है उसकी नोड से रूट्स निकलती जाएंगी और वो ऊपर की तरफ लीव्स डेवलप होने लगेंगी और नीचे की तरफ रूट्स डेवलप हो जाएंगी और वो एक मेन दूसरा नया प्लांट डेवलप कर देगा। इन इट द मेन स्टेम ग्रो इन द सॉइल बट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द नोड एंड कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल। मिंट और पाइनएप्पल जो होते हैं वो शक्कर के एग्जांपल होते हैं, बनाना और क्राइसेंथियम भी शक्कर के एग्जांपल होते हैं, ये ऐसे डेवलप होते हैं। जैसे कि ये मेन प्लांट है ये अंडरग्राउंड ग्रो करेगा और नोड्स के पास से इसमें रूट्स अराइज हो जाएंगी और ये ऊपर की तरफ न्यू शूट डेवलप कर लेगा। ऑफसेट जनरली दिस अकर इन एक्वेटिक प्लांट विच हैव फ्रेगाइल स्टेम।
ये अफसर जो होते हैं ये जनरली एक्वेटिक प्लांट होते हैं, इनमें इनके स्टेम जो होते हैं वो फ्रेगाइल होते हैं। इंटर नोड ऑफ अपसेट आर स्मॉल एंड थिकर एंड ईच नोड बियर अ रोजेट ऑफ लीव। इंटर नोड जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं इनके और ये थिकर होते हैं, और ये जो ईच नोड होता है इनका हर एक नोड रोजेट ऑफ लीव, रोजेट ऑफ लीव का मतलब लीव्स का गुच्छा बियर करता है, एंड टफ्ट ऑफ द रूट, और रूट का टफ्ट बियर करता है और लीव्स का गुच्छा बियर करता है। और ऑफसेट के एग्जाम्पल हमेशा पूछे जाते हैं जो कि पिस्टिया और आईकॉर्निया है। ऑफसेट के एग्जाम्पल हैं पिस्टिया एंड आईकॉर्निया।